हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कछवाहा ऑफ आमेर। ठीक है, तो जो कछवाहा के आमेर शासक थे दोस्तों, बल्कि ये कहा जाए कि आमेर के जो कछवाहा शासक थे, आज उनके इतिहास को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऑलरेडी जो है बाकी जो इम्पोर्टेंट इतिहास है जो राजस्थान की डिफरेंट डिफरेंट इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ का है, वो कवर किया जा चुका है, चाहे हिस्ट्री ऑफ चौहान हो या फिर मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास हो। दोस्तों उसको कवर किया जा चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये राजस्थान जीके की आरएएस मेंस एग्ज़ाम 2021 की प्लेलिस्ट है, जिसको आप जाकर के देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी या वीडियो के एंड में भी आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटर्स अकेडमी और दोस्तों आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम चैनल को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, तो ये टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इनको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे आरएएस मेंस एग्ज़ाम 2021 के हिसाब से, और ये आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। स्पेशली ये सारे नोट्स दोस्तों इंग्लिश मीडियम चैनल के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए गए हैं दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप उन बुक्स को जाकर के जो है बाई कर सकते हो दोस्तों। ये सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बुक्स हैं, जो कि पूरा प्रॉपर सिलेबस को कवर करने में मदद करेंगे। अब तक हम जो है आरएएस मेंस 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो ये जो पहला सेक्शन है, इसको आज की वीडियो के साथ में दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि ये कवर अप हो जाए, और उसके बाद में हम जो है सेलियंट इवेंट्स की बात करेंगे जो 19 टू 20 सेंचुरी में चले थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरुआत करते हैं आमेर के कछवाहा शासकों के बारे में, और अब डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, चूँकि हम आरएएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वीडियोस को देख बना रहे हैं, तो दोस्तों आरएएस मेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं 2 या 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। बट जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर आप किसी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करो तो। जैसे अगर कछवाहा शासक की बात करें, तो कछवाहा शासक को कछवाहा क्यों बोला जाता है, तो ये कुशवाहा जो थे राजा राम, लॉर्ड राम जो थे, उनके यंगर सन जो है कुश और लव और कुश थे। ठीक है, तो लव और कुश, लव कुश के बारे में हमने सुना ही होता है, तो कुश से जो है ये कुशवाहा का जो है जन्म हुआ, और ये कुशवाहा जो है वंश की फिर इसके बाद में स्थापना हुई थी। तो ये अपने आप को डिसेंडेंट कहते हैं, कुशवाहा अपने आप को कुश के डिसेंडेंट कहते हैं। ठीक है, द फैमिली गोडेस ऑफ कुशवाहा इज जम्बाई माता, तो जम्बाई माता जो है इनकी फैमिली गोडेस थी। और अगर देखा जाए तो ये अपने आप को दीवान मानते थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी जो है उनका टेंपल भी है, जो कि आपको जो है आमेर में मिलेगा, और जयपुर में ही है दोस्तों गोविंद देव जी का टेंपल। और ये जो टेंपल है, ये गोविंद देव जी को अपना जो है अपने आप को दीवान मानते थे गोविंद देव जी का। ठीक है, ये चीज़ बेसिक तौर की है जो आपको पता होनी चाहिए। मेनली ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के छोटे छोटे। ठीक है, किसी भी राजस्थान बेस्ड गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। अब देखिए, पहले जो राजा थे इनके, जिन्होंने आमेर का शासन एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, वो थे दुल्हे राज। दुल्हे राज के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। दुल्हे राज ने जो है, ही केम फ्रॉम नारवाड़ एमपी टू दोसा, तो ये दोसा में आए थे, शिफ्ट हुए थे, और दोसा जो है जयपुर के पास में ही दोसा डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कछवाहा रूल को। और इन्होंने डिफीट किया था उस टाइम पे जो है एक बार गुर्जर नाम से शख्स थे, ठीक है, गुर्जर शासक थे, उनको हराया था इन्होंने। सो इट वॉज हैपन्ड इन 1137 AD, तो ये बात थी एस्टेब्लिशमेंट की, करीब 1137 AD के आसपास की बात है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब क्योंकि क्या होता है, कई बारी
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। कब एस्टेब्लिश हुई थी ये डायनेस्टी, ठीक है। ही मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ लालसोट। तो लालसोट जो है, लालसोट नाम से जो है राजस्थान में उस वक्त पे प्रदेश था, ठीक है। तो लालसोट की जो रानी थी उसके साथ में प्रिंसेस जो थी वहाँ की, उन्हीं से इन्होंने जो है विवाह किया था दुल्हे राज ने। लेटर ऑन डिफीटेड मीनाज इन रामगढ़ एंड मेड रामगढ़ हिज कैपिटल। तो इन्होंने रामगढ़ को जो है कैपिटल बनाया था आमेर की, ठीक है। अब बाद में नाम चेंज करके रामगढ़ का जम्वा रामगढ़ हो गया। आपने सुना होगा जम्वा रामगढ़ के बारे में। अब जम्वा रामगढ़ ऐसे डायरेक्टली जो है आपसे इस तरीके से पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जाम्स में जो है, राजस्थान में जो भी कंडक्ट होते रहते ही हैं उनमें पूछने का ट्रेंड ये ऑब्जेक्टिव वे में ज़्यादा होता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जयपुर में लोकेटेड है, ठीक है। जयपुर में जो है ये लोकेटेड है ये सिटी, ठीक है। छोटी सी जगह है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिज ओरिजिनल नेम वॉज तेज करण इनका जो है ओरिजिनल नाम था। ये जो दुल्हे राज था उनका नाम था तेज करण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो रूलर थे वो थे कोकिल देव, ठीक है। कोकिल देव ने डिफीट किया था यहाँ पे मीणास को। उस वक्त पे जो है मीणा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पे रहते थे आमेर के रीजन में, ठीक है। ज़्यादातर आज के टाइम पे भी आपको पता ही होगा मीणा काफ़ी पाए जाते हैं। मीणा जनजाति के लोग जो है वो जयपुर के रीजन में काफ़ी पाए जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि उनके उनकी हिस्ट्री है वहाँ पे। तो उस वक्त पे कोकिल देव ने जो है मीणा शासकों को हरा करके आमेर पर जो है कब्जा कर लिया था और ऑक्यूपाइड किया था उन्होंने आमेर को 1207 AD में, ठीक है। तो कब ऑक्यूपाई किया था तो आप ये देख लीजिए, ये 1207 AD में जो है इन्होंने मीणाओं से जो है कोकिल देव ने आमेर को जो है हथिया लिया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बताया गया है कोकिल देव के बारे में ही है, लेकिन देखिए दोस्तों ये नॉर्मल शासक है। जो RS मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हमारे लिए जो शासक होंगे उनके बारे में भी मैं बताता जाऊंगा, और मैं ये हाईलाइट कर दूंगा कि कौन सा 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बन सकता है, ठीक है। 2 या 5 मार्क्स में ही आएगा यहाँ से, तो इससे ज़्यादा पूछने में जो है RPSC इंटरेस्ट नहीं लेगी। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम जम्वा रामगढ़ टू आमेर। तो कोकिल देव ने जम्वा रामगढ़ से जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट करके आमेर कर ली थी, ठीक है। अब पृथ्वीराज की बात करते हैं, ये नेक्स्ट जो है रूलर आते हैं यहाँ पे। सो ही हेल्प्ड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ खानवा। अब इसके बारे में जब बैटल ऑफ खानवा के बारे में पढ़ रहे थे तब पाती पर्वन प्रथा के बारे में भी पढ़ा था, और पाती पर्वन प्रथा में ही ये इनका नाम भी आया था पृथ्वीराज का, जिन्होंने जो है राणा सांगा का जो है साथ दिया था, उनकी मदद की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, हिज सन नेम वॉज सांगा हु एस्टेब्लिश्ड सांगानेर। तो ये जो है इन सांगा नाम से इनके भी पुत्र का नाम सांगा था, ठीक है, पृथ्वीराज के पुत्र का नाम, और उन्होंने सांगानेर की स्थापना की थी। जयपुर में जाते हैं हम तो सांगानेरी गेट करके आता है, ठीक है, हमने सुना है। तो वो सब सांगानेर वाला जो भी रीजन है वो सांगा ने जो है एस्टेब्लिश किया था। हिज वाइफ नेम वॉज बालाबाई एंड हु वॉज डॉटर ऑफ राव लूनकरण ऑफ बीकानेर। तो उस वक्त यही होता था दोस्तों, आसपास के जो भी शासक होते थे उनके साथ में अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए मैरिटल रिलेशंस स्थापित किए जाते थे। तो लूणकरण जो है बीकानेर के शासक थे, उनकी जो पुत्री थी, डॉटर थी, ठीक है, उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। ही स्टार्टेड 12 कोठारी सिस्टम। अब देखो RPSC कुछ इस तरीके से RS मेंस में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे कि ये 12 कोठारी सिस्टम जो है के ऊपर 2 मार्क्स के लिए आपको लिखने को पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक फ्यूडल सिस्टम था जो कि पृथ्वीराज के टाइम पे चलता था, और ये आमेर के जो है शासन से रिलेटेड है 12 कोठारी सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, आप इतना भी लिख दोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कई बार 15 वर्ड्स में ही तो आंसर लिखना होता है,
कुछ कुछ चीज़ों के आंसर जो है छोटे होते हैं। अगर आप देखिए दोस्तों डिटेल में भी जानना चाहते हैं 12 कोठारी सिस्टम के बारे में, तो आप जो है गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है भारमल के बारे में, तो भारमल जो है 1547 से 1573 AD के बीच में इनका शासनकाल था भारमल का। अब देखिए भारमल जो है ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। तो ही मीट टू अकबर विद द हेल्प ऑफ मुगल कमांडर मजनू खान ऑफ नारवाल, ठीक है। तो ये एक मुगल कमांडर था मजनू खान, उसकी मदद से जो है भारमल जाकर के अकबर से मिले थे। अब एक्चुअली भारमल यही चाह रहे थे कि अकबर से किसी तरीके से संधि बन जाए या फिर अच्छे रिलेशन बन जाए। तो इन्होंने जो है अपनी पुत्री का विवाह भी जो है, जिसका नाम हरका बाई है, उसका विवाह भी जो है अकबर के साथ कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से कछवाहा जो शासक थे इनका जो है मैरिटल रिलेशंस जो है मुगल्स के साथ में शुरू हो गया था। सो लेटर ऑन ही अगेन मीट विद अकबर विद द हेल्प ऑफ चगताई खान ऑफ सांगानेर। तो ये जो है मीटिंग्स होती रहती थी उस टाइम पे, पहले मजनू खान के थ्रू हुई थी, फिर चगताई खान के थ्रू जो है सांगानेर में हुई थी। एट दैट टाइम अकबर वॉज गोइंग टू अजमेर फॉर जियारत। जियारत मतलब एक तरीके से अजमेर में जो है दरगाह है, तो दरगाह में जो है ढोक देने के लिए गया होगा अकबर, ठीक है, मतलब मन्नत मांगने के लिए गया होगा, ठीक है। तो उस वक्त पे जो है इस तरीके से इनकी मीटिंग हुई थी भारमल की अकबर के साथ में। ऑन रिटर्न ऑफ अकबर फ्रॉम जियारत ही मेरिड हिज डॉटर हरका बाई टू अकबर, ठीक है। तो उस मीटिंग में जो है हरका भाई की शादी जो है अकबर से करा दी गई थी, और अकबर ने हरका भाई का नाम रख दिया था, ये मरियम उगमानी नाम रख दिया था, ठीक है। अब देखो इसके बाद में जैसे संधि होती थी ना, ये इस तरीके से मैरिटल टाइज बनते थे, तो होता यही था कि जो ये पुत्री और जो इनकी पुत्री थी हरका भाई और अकबर जो है उनसे जो पुत्र होगा उसको जो है नेक्स्ट मुगल शासक बनाया जाएगा। इस बिहाफ पर जो है ये इस तरीके से मैरिटल टाइज रखे जाते थे राजस्थान के शासकों के द्वारा। तो मरियम उगमानी जो है इनका नाम कर दिया गया था हरका भाई का। अब ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ आमेर हु एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ मुगल्स एंड स्टार्टेड मैरिटल रिलेशनशिप विद देम। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे आमतौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा राजस्थान बेस्ड, वहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर ऑन जहांगीर सलीम वॉज बॉर्न फ्रॉम हरका भाई। हरका भाई से जहांगीर का जन्म हुआ, और जहांगीर आपको पता ही है अकबर के बाद में रूलर बनता है मुगल सल्तनत का, ठीक है। अब देखो फिफ्थ नंबर पर ये जो इम्पोर्टेंट शासक आए थे आमेर में वो थे भगवंत दास, ठीक है। भगवंत दास थे, आप इनका नाम ध्यान रखें। भगवंत दास ने एक्चुअली कई मीटिंग्स भी करवाई थी महाराणा सांगा के साथ में, ठीक है। अभी देखते हैं इसके बारे में। अकबर गिवन हिम द टाइटल ऑफ अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा का जो है टाइटल भी दिया था इनको, और मेड हिम द मनसबदार ऑफ 5000, ठीक है। उस टाइम पे यही होता था, अकबर के टाइम पे मनसबदारी दी जाती थी, मतलब एक तरीके से 5000 मनसबदारी देने का मतलब है एक बहुत बड़ा रीजन दिया था 5000 का, 5000 विलेजेस हो सकती है, तो वहाँ पे जो है उसको कंट्रोल करने की पावर, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन की पावर दे दी जाती थी, इसी को बोलते थे मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अकबर सेंट हिम टू राणा प्रताप। तो इनको भगवंत दास जी को जो है राणा प्रताप के पास भेजा गया था अकबर के द्वारा एम्बेसडर के फॉर्म में, ठीक है, ताकि राणा प्रताप के साथ में जो है संधि हो सके और राणा प्रताप जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। तो राणा प्रताप का आपको पता ही है, जैसा कि मैंने मेवाड़ के इतिहास में बताया था, राणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था अकबर की सेना और राणा प्रताप के बीच में, और मान सिंह जो था, जो कि जयपुर का ही था, आमेर का ही शासक था, उसने जो है अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व भी किया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे है, ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू फोर्स सुरजन रायहाड़ा हु वॉज रूलर ऑफ बूंदी टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ मुगल, ठीक है। तो इन्होंने भगवंत दास जी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कि अकबर की मुगल्स की जो अधीनता थी, सुप्रीमेसी थी, उसको
उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए सुरजन राय हाड़ा के द्वारा, जो कि कोटा के रूलर थे, कोटा बूंदी के रूलर थे, जो कि बूंदी के रूलर थे, ठीक है। ही अरेंज द मीटिंग ऑफ दादू दयाल एंड अकबर फतेहपुर सीकरी में, इन्होंने जो है एक मीटिंग भी अरेंज कराई थी। इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आमतौर पर ऑब्जेक्टिव पेपर्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं हमेशा हाईलाइट कर दूंगा, जो आरएस मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो 2 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ के इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट है उसका एटीट्यूड यही होना चाहिए, जब आरएस मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो फिर सब कुछ कंप्लीट करके जाओ, जितना ज़्यादा आप कंप्लीट करके जाओगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ है जो आपको एज देगी बाकी अदर स्टूडेंट के कंपेरिजन में, ठीक है। ही अरेंज द मीटिंग ऑफ दादू दयाल एंड अकबर एंड फतेह इन फतेहपुर सीकरी ऑन शोइंग ब्रेवरी इन द बैटल ऑफ सरमल सरनाल मिर्जा रिवोल्ट इन गुजरात। ही वॉज ऑनर्ड बाई अवार्डिंग नगोरा एंड परिहान। तो ये है कि इन्होंने जो है अकबर की तरफ से ये बैटल लड़ी थी, बैटल ऑफ सरनाल, और उसमें उन्होंने अच्छा साहस दिखाया था, तो अकबर ने ऑनर के फॉर्म में जो है उनको नगारा और ये परिहान जो है वो अवार्ड किया था, ठीक है। तो इस तरीके से था। ही मैरिड हिज डॉटर मानबाई टू सलीम। अब देखिए यहाँ पे भी एक मैरिटल टाइज होता है, जो भगवंत सिंह थे उनकी पुत्री थी, डॉटर जो थी मानबाई नाम था, उनका विवाह सलीम, सलीम मतलब जहांगीर से हो रहा है, जहांगीर, ठीक है। जहांगीर जो है नेक्स्ट रूलर बनता है, चूँकि मुगल्स नेक्स्ट मुगल रूलर बनता है, तो इनके साथ में जो है विवाह कर दिया जाता है मानबाई का। और अब मानबाई का नाम भी बदल देते हैं ये और मुस्लिम नेम रख देते हैं, इसको बोलते हैं शाह ए बेगम, ठीक है। अब खुसरो जो होता है, खुसरो का जन्म होता है यहाँ पे, तो आमिर खुसरो जिसकी बात हम करते हैं, आमिर खुसरो जो है उसका जन्म होता है यहाँ पे मानबाई से, ठीक है। एंड शी फाइनली डेड सुसाइड, ठीक है। आमिर खुसरो नहीं, खुसरो नाम रखा गया था, खुसरो जो है शाहजहाँ को बोलते हैं दोस्तों, शाहजहाँ को जो है, मैं गलत बोल गया, शाहजहाँ को जो है खुसरो के नाम से बचपन में जाना जाता था, ठीक है। तो उसका जन्म होता है यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या होता है, ये शी फाइनली डिड सुसाइड बिकॉज शी वॉज डिस्ट्रेस्ड फ्रॉम एल्कोहल ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ जहांगीर। तो वो जहांगीर से परेशान थी, उसकी एल्कोहल ड्रिंकिंग की जो हैबिट्स थी उसकी वजह से ये खुद ही सुसाइड कर लेती है। अब नेक्स्ट रूलर जो है मान सिंह बनता है, आमिर, नेक्स्ट जो आमिर शासक है वो मान सिंह है। ही ऑल्सो अकम्पनीड अकबर इन द बैटल ऑफ सरनाल, ठीक है। तो बैटल ऑफ सरनाल में जो है जो अकबर का साथ दिया था वो मान सिंह ने दिया था, और ही केम विद आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रणथंबोर कैंपेन, ठीक है। तो ये सब बहुत नॉर्मल सी बातें हैं दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हो इस वीडियो को देख करके, तो हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आरएस मेंस एग्ज़ाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको जो है कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज पर ज़्यादा फोकस करना होगा। अब देखो, अकबर सेंट हिम टू राणा प्रताप टू सेट अप अंडरस्टैंडिंग। तो राणा प्रताप के पास जो है अकबर ने 4 एम्बेसडर भेजे थे, ठीक है। मैंने याद करने की टिप भी बताई थी, जमा भट्टो करके कुछ ट्रिक थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी इसके बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट डे ही वॉज कमांडर ऑफ रॉयल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो हल्दीघाटी के बैटल में जो है ये मेन कमांडर तो अकबर की सेना की साइड से था, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कैंपेन ऑफ मानसिंह। तो ये मानसिंह का पहला जो है इंडिपेंडेंट कैंपेन था, जिसमें वो हल्दीघाटी के युद्ध में जो है महाराणा प्रताप से लड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, और मानसिंह जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानसिंह की दोस्तों इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तो ये मेन कमांडर था और अकबर वो जो है रिप्रेजेंट कर रहा था ये हल्दीघाटी के युद्ध में, और इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट बैटल्स है दोस्तों वो जो है पूछी जा सकती है आपसे। हल्दीघाटी का युद्ध अगर पूछा जाता है तो मानसिंह के रोल के बारे में भी पूछा जाएगा। ऑन 14th फेब 1590
देयर वॉज अ कॉरोनेशन ऑफ मानसिंह एंड ही वॉज मेड मनसबदार ऑफ 5,000 विच लेटर ऑन इंक्रीज्ड अप टू 7,000। तो ये मनसबदारी जो इसके पास 5,000 के मनसबदारी थी उसको बढ़ा करके 7,000 कर दिया गया था अकबर के द्वारा, और अकबर मेड हिम गवर्नर ऑफ बंगाल बिहार और काबुल। तो कई जगहों पे गवर्नर बनाया गया इसको मानसिंह को। फिर उसके बाद में ये होता है कि काबुल जो होता है, हियर ही कंकर्ड 5 ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम, देयर फॉर इन द फ्लैग ऑफ आमेर देयर आर 5 कलर्स। ठीक है, तो ये कोई छोटा सा नोट पॉइंट टाइप से है। और इसके टाइम पे जो है झाड़शाही कॉइन्स चलते थे, झाड़शाही कॉइन्स जो है मानसिंह के टाइम पे चलते थे जयपुर में। ठीक है, अब देखो कछवाहा डायनेस्टी जो है राम अयोध्या वाइट कलर झांसी, ये कुछ बातें हैं जो लिखी हुई, इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखो कि अकबर ने जो है मानसिंह को फरजंद टाइटल दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में, और जो जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है वहाँ ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फरजंद जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना कि किसको जो है फरजंद का टाइटल दिया गया था अकबर के द्वारा, तो मानसिंह को दिया गया था। और मानसिंह ने एक राधा गोविंद टेम्पल था उसका निर्माण भी कराया था वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन में राधा गोविंद टेम्पल का निर्माण कराया था। फिर बिहार हो गया, ड्यूरिंग द गवर्नरशिप इन बिहार ही एस्टेब्लिश मानपुर टाउन इन बिहार, तो बिहार में मानपुर टाउन का निर्माण भी कराया इन्होंने। फिर अकबर नगर का भी निर्माण कराया था, कहाँ पे, राजमहल, जिसको आज के टाइम पे राजमहल के नाम से जाना जाता है। राजमहल हिल्स के बारे में सुना होगा आपने, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, तो राजमहल वहीं पर राजमहल का नाम से जो है सिटी, छोटा सा टाउन जो है एस्टेब्लिश किया था बंगाल में, ऐसे बिहार में मानपुर किया था। ड्यूरिंग गवर्नरशिप ऑफ बंगाल हिज ऑल थ्री सन्स हिम्मत सिंह, जगत सिंह और सुरजन सिंह वर डाइड। अब देखो तीनों पुत्र जो है गंवा दिए इसने अपने, ठीक है, इस बैटल में। अब होता क्या है इसके बाद में, तो इसके बाद में जो है इनकी जो वाइफ थी उन्होंने जगत सिंह के नाम पे जगत शिरोमणि टेम्पल का निर्माण कराया था। ठीक है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी इस नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं पहले तो अपन। ठीक है, तो सो ही डिफीटेड द रूलर ऑफ ईस्ट बंगाल नेम्ड केदार एंड ब्रॉट द आइडल ऑफ शीला माता। तो ये जो है शीला माता की आइडल को जो है यहाँ से लेकर के आए थे, बंगाल से, ईस्ट बंगाल से लेकर के आए थे मानसिंह, और इसको शीला माता का टेंपल जो है आमेर में बनवाया गया था। ठीक है, तो टेंपल ऑफ शीला माता इन आमेर वॉज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अब इसके बाद में पुंडरिक विट्ठल जो होते हैं वो वॉज हिज कोर्टियर रोड द फॉलोइंग बुक्स। तो यार पुंडरिक विट्ठल का नाम बहुत है राजस्थान के इतिहास में, तो ये जो इनके द्वारा लिखी गई बुक्स है ना इनको पढ़ के जाना, कम से कम 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आरएस मेंस एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये है राइटअप्स लिखे जा सकते हैं आपके, रागमाला हो गया, राग मंजरी हो गया, और राग चंद्रोदय हो गया। ठीक है, और नर्तन विनय। ठीक है, ये जो है ये इस तरीके से जो है 4 ये हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं दोस्तों जो आपके आरएस मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में काम आएंगी, उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और उनको जा करके आप बाई कर सकते हो अमेज़ॉन की वेबसाइट से, या तो आप अमेज़ॉन से बाई कर लो। और इसके अलावा दोस्तों इंस्टा मोजो वेबसाइट पर दोस्तों जो मेरे खुद के पर्सनल सारे नोट्स हैं दोस्तों इंग्लिश मीडियम में, इंस्टा मोजो वेबसाइट से आपको पहले ही जो पहला ही लिंक मिलेगा दोस्तों इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे दोस्तों मेरे कंप्लीट आरएस मेंस के नोट्स मिल जाएंगे। जिनको जिन स्टूडेंट्स को जो है तैयारी करनी है और उनको नोट्स नहीं मिल रहे इंग्लिश मीडियम के, वो वहाँ से जाकर के भी बाई कर सकते हैं। ठीक है, लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट है हिज अनदर कोर्टियर मुरारी दास रोड द बुक मान प्रकाश। ठीक है, तो इनके कई सारे देखिए दरबारी होते थे, तो इस दरबारी ने जो है मुरारी दास ने मान प्रकाश बुक लिखी थी, और अनदर कोर्टियर था पंडित जगन्नाथ रोड द बुक नेम्ड मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ठीक है, तो ये बुक का बुक को लिखा गया था, मुक्तावली बुक का
को लिखा गया था पंडित जगन्नाथ के द्वारा, और ड्यूरिंग हिज रेन दादू दयाल रोट वाणी। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, दादू दयाल जो है वैसे भी राजस्थान के इम्पोर्टेंट जो है संतों में से एक है, ठीक है। तो ये जो है मानसिंह के समकालीन थे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पता होनी चाहिए जब आप पढ़ाई करते हो, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो बड़ा अच्छे से फैक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। यही पेपर में क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं। अब इसके बाद में ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस ऑफ आमेर, तो आमेर के जो पैलेस था उसका कंस्ट्रक्शन भी इनके द्वारा, मानसिंह के द्वारा शुरू कराया गया था। और मैं जिसकी बात कर रहा था कि जगत शिरोमणि टेम्पल जो था उसका निर्माण आमेर में करवाया गया इनके द्वारा, और टेम्पल वॉज बिल्ट बाई हिज क्वीन कनकावती ने जो है, इनकी जो क्वीन थी, जो रानी थी कंकावती, उनके द्वारा इस टेम्पल का निर्माण कराया गया था इन द फॉन्ड मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह, ठीक है। क्योंकि जगत सिंह से बड़ा स्नेह था तो इस वजह से इस टेम्पल का निर्माण कराया। द आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा विच इज देयर इन द टेम्पल इज द वन विच वॉज अर्लियर वॉर्शिप्ड बाई मीरा इन चित्तौड़, ठीक है। तो इसमें जो कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है वो मीरा, जिन कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करती थी उसी को इस टेंपल में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट रूलर आए मिर्जा राजा जय सिंह, इनका टेन्योर रहा था दोस्तों, इनका जो भी शासनकाल था 1621 से 1667 एडी तक रहा। ही वॉज रूलर ऑफ जयपुर, हु रूल्ड जयपुर फॉर द मोस्ट लॉन्ग टाइम, 46 ईयर्स तक रूल किया इन्होंने, बहुत लंबे समय तक रूल किया। और ऐसी चीज़ें फैक्ट होती है जो इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कंटेम्प्रेरी थे जहांगीर शाहजहाँ और औरंगजेब के, और जहांगीर को जहांगीर सेंट हिम टू डेक्कन अगेंस्ट मलिक अंबेर, तो मलिक अंबेर के अगेंस्ट जो है फाइट करने के लिए जो है मिर्जा राजा जय सिंह को ही भेजा गया था जहांगीर के द्वारा। और फिर शाहजहाँ जो थे नेक्स्ट रूलर, जो जहांगीर के बाद शाहजहाँ मुगल रूलर बने थे, तो शाहजहाँ ने जो है इनको टाइटल दिया था मिर्जा राजा का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मैंने काफ़ी देखे हैं, चूँकि मैं देखिए दोस्तों पूरी ओवरऑल बताना चाहता हूँ कि आप अगर इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को दो राजस्थान के, ये पूरी जनरल स्टडीज जो है आपके काम आने वाली है, ठीक है। एंड सो शाहजहाँ सेंड हिम टू काबुल कैंपेन, ठीक है। तो मिर्जा राजा जय सिंह को जो है शाहजहाँ ने काबुल के कैंपेन पे भी भेजा था, और मिर्जा राजा नाम जो दिया गया था शाहजहाँ के द्वारा ही दिया गया था जय सिंह को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इस तरीके से कि ड्यूरिंग द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट, अब देखो ये जो सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, सो ही फॉट इन द बैटल ऑफ बहादुरपुर फ्रॉम द साइड ऑफ दारा शिको, लेटर ऑन इन द बैटल ऑफ दोराई ही फॉट फ्रॉम द साइड ऑफ औरंगजेब, ठीक है। तो पहले जो है ये दारा शिको की तरफ से जो है लड़ रहे थे, उसके बाद में जो है औरंगजेब का साथ दिया था इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मुगल और ये आप देख सकते हो कि कछवाहा शासक जो भी थे उन सब के रिलेशंस चल रहे थे। तो कछवाहा शासकों ने जो है अपना शासन तो किया, लेकिन जो है मुगल्स को की अधीनता स्वीकार करके, ठीक है। तो इस तरीके से था। ही ऑल्सो बॉट जोधपुर रूलर जसवंत सिंह इन द कैंप ऑफ औरंगजेब, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो जोधपुर के रूलर जसवंत सिंह थे उनको औरंगजेब के कैंप में लाने में भी मिर्जा राजा जय सिंह का बड़ा रोल रहा, और औरंगजेब ने सेंड हिम टू डेक्कन टू कीप कंट्रोल ओवर शिवाजी, तो शिवाजी के ऊपर जो है कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब ने जो है साउथ में कैंपेन के लिए भेजा था इनको, ठीक है। और 11 जून 1665 की बात है, ठीक है, तब ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है जो कि शिवाजी और जय सिंह के बीच में होती है, और एज पर द ट्रीटी शिवाजी एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ मुगल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है ध्यान रखना। अब शिवाजी ने भी मुगल्स की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था। व्हेन शिवाजी केम टू आगरा टू मीट औरंगजेब ही स्टेड विद राम सिंह
वॉज सन ऑफ मिर्जा राजा जय सिंह। तो मिर्जा राजा जय सिंह का जो पुत्र था वो राम सिंह था, और राम सिंह के साथ में जो है ये औरंगजेब से मिलने गए थे, ठीक है। मतलब शिवाजी जो है राम सिंह के साथ में मिल करके जो है औरंगजेब से मिलने गए थे और अधीनता को स्वीकार किया था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो इनके टाइम पर कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई थी, ठीक है। तो मिर्जा राजा जय सिंह, देयर वॉज फेमस पोइट ऑफ हिंदी नेम्ड बिहारी जी। तो बिहारी जी जो है काफ़ी नाम है इनका, पॉपुलर है राजस्थान में भी, और बिहारी सतसई जो है इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। और इसके बाद में जो बिहारी जी की पुत्री थी, ठीक है, नीस थी, नीस थी, नीस ऑफ बिहारी जी, जिसका नाम था कुलपति मिश्रा, उसने 52 टेक्स्ट बुक्स लिखी थी, फ्रॉम विच वी केम टू नो अबाउट द डेक्कन कैंपेन्स ऑफ जय सिंह, ठीक है। जिससे हम जो मिर्जा राजा या इनके जितने भी कैंपेन हुए थे, डेक्कन मतलब दक्षिण भारत में जाकर के जो भी कैंपेन हुए थे, उनके बारे में वर्णन जो है कुलपति मिश्रा की बुक 52 टेक्स्ट बुक्स में मिलता है, ठीक है। जो भी 52 अलग अलग बुक्स होंगी उसमें मिलता है। हिज अनदर कोर्टियर राय सिंह थे, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह की बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो है जय सिंह चरित्र नाम से बुक लिखी थी। और जयगढ़ फोर्ट जो जयपुर में बनाया गया, उसका रिकंस्ट्रक्शन जो है वर्क इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह के टाइम पे। तो जय सिंह का जो है बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाई जय सिंह आते हैं, ठीक है, ये तो मिर्जा राजा जय सिंह थे, अब आते हैं सवाई जय सिंह, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आप समझ के रखना, ठीक है। तो जयपुर शहर का निर्माण करवाया था चूंकि सवाई जय सिंह ने, अभी हम पढ़ेंगे, और ये 1700 से 1743 जो है AD तक, ठीक है, इनका शासनकाल रहा था। ही अकम्पनीड मोस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स, मतलब 7 मुगल एम्परर्स जो थे वो इनके टाइम ड्यूरेशन में थे, ठीक है, समकालीन थे। तो देख लो, औरंगजेब से शुरुआत होती है, फिर बहादुर शाह फर्स्ट, जहांगीर शाह, फिर फर्रुख शेर, और आगे देखे तो लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो इनका भी शासनकाल काफ़ी लंबा रहा था सवाई जय सिंह का, ठीक है। आप देखो इनके टाइम पे क्या निर्माण कराया गया था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब देयर वॉज सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट इन हिज सन जय सिंह सपोर्टेड शहजादे आलम। तो जय सिंह ने शहजादे आलम का सपोर्ट किया था, बट मुआजम वॉन एंड बिकेम मुगल एम्परर विद द नेम ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट एंड ही देन रिमूव्ड जय सिंह, ठीक है। चूंकि जय सिंह ने जो है इसका मुआजम का जो इसका सपोर्ट किया था, ठीक है, शहजादे आलम का सपोर्ट किया था, जबकि मुआजम जो कि बाद में बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से जाना गया, वो बैटल को जीत गया और बहादुर शाह फर्स्ट जो है एट द एंड जो है मुगल एम्परर बना। तो जय सिंह से जो है ये नाराज हो गया, तो जय सिंह को जो है जयपुर का जो रूलर रूल था जय सिंह से छीन करके विजय सिंह को दे दिया गया, इसके द्वारा, बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा। हु वॉज यंगर ब्रदर ऑफ जय सिंह एज रूलर ऑफ जयपुर, ठीक है। तो जयपुर का रूलर बना दिया गया था विजय सिंह को। ऑल्सो ही चेंज द नेम ऑफ आमेर टू इस्लामाबाद और मोमिनाबाद, ठीक है। तो इस साथ ही साथ इसने इस्लामाबाद और मोमिनाबाद जो है जयपुर का नाम रख दिया था, ठीक है, आमेर का नाम रख दिया था चेंज करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एक देबारी एग्रीमेंट है जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो देबारी एग्रीमेंट जो था बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कल को पेपर में, ठीक है, मेंस पेपर में, RAS मेंस में। तो 1707 AD में एक देबारी एग्रीमेंट होता है जिसमें जय सिंह जो था वो अगेन बिकेम रूलर ऑफ आमेर बाई रिमूविंग विजय सिंह। तो विजय सिंह को हटा करके आमेर का रूलर वापस से जय सिंह को बनाया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ जॉइंट आर्मी ऑफ मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। तो सपोर्ट आमेर की आर्मी हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे मेवाड़ हो, ये सब सपोर्ट करते हैं कि इसका जय सिंह का, ठीक है। तो अब देखिए जय सिंह कि इसके अलावा दोस्तों जय सिंह के टाइम पीरियड में ये एक जयपुर बूंदी डिस्प्यूट भी होती है, ठीक है। तो ये आप जो है वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाए, लेकिन फिर भी हम एक बार ही रीड कर लेते हैं। तो सवाई जय सिंह की जो सिस्टर थी अमर कौर
कंवर मेरिड टू बुद्ध सिंह, हु वॉज अ रूलर ऑफ बूंदी। तो बूंदी का जो शासक बुद्ध सिंह था उससे जो है विवाह होता है इसका, ठीक है, अमर कंवर का, ठीक है, जो कि अमर कंवर जो है सवाई जयसिंह की जो सिस्टर थी उसका विवाह होता है। आफ्टर इयर्स ऑफ मैरिज देयर वॉज नो चाइल्ड, ठीक है, नो चाइल्ड टू अमर कंवर, देयर फॉर बुद्ध सिंह अडोप्टेड दलेल सिंह को अडोप्ट कर लेता है बुद्ध सिंह, ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड हिम द रूलर ऑफ बूंदी। और सवाई जय सिंह मेरिड हिज डॉटर कृष्णा कंवर को विद दलेल सिंह, ठीक है। तो अब इसके बाद सवाई जय सिंह, पहले तो उसने अपनी सिस्टर बहन का विवाह कराया था इस दलेल, इस बूंदी के जो रूलर थे बुद्ध सिंह के साथ में। अब क्या है, ये वापिस से जो है विवाह कराता अपनी पुत्री का भी कृष्णा कंवर दलेल सिंह के साथ में, ठीक है, दलेल सिंह जो कि दत्तक पुत्र मान सकते हो, मतलब इस तरीके से होता है अडोप्टेड सन मान सकते हो इसको, दलेल सिंह को, किसका, बुद्ध सिंह का, ठीक है, क्योंकि पुत्र तो होता नहीं है। तो चूंकि देवारी एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में, तो देखो देवारी एग्रीमेंट में यही हुआ था कि जो राजा जय सिंह है, ठीक है, उनकी जो बहन है जिनका विवाह करवाया था इन्होंने बुद्ध सिंह के साथ, तो इनका जो पुत्र होगा उसके साथ में वो जो है नेक्स्ट रूलर बनेगा। लेकिन नेक्स्ट रूलर जो है ये दलेल सिंह को बना देता है, जो कि एक अडॉप्टेड सन होता है इनका। तो दलेल सिंह का भी ये वापस से विवाह कराते हैं इसी तरीके से। फिर लेटर ऑन फ्रॉम अनदर क्वीन ऑफ बुद्ध सिंह अ सन नेम्ड उमेद सिंह वॉज बॉर्न। अब चूंकि जो है उम्मेद सिंह का जन्म हो जाता है यहाँ पे, अब उम्मेद सिंह का जन्म जो है दूसरी रानी से होता है, ठीक है, तो इस वजह से जो है ये जो बुद्ध सिंह था उम्मेद सिंह को राजा बना देता है। अब अमर सिंह जो अमर कंवर जो होता है टुक द साइड ऑफ उम्मेद सिंह, देयर फॉर इट क्रिएटेड सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बिटवीन उम्मेद सिंह एंड दलेल सिंह। अब चूंकि दलेल सिंह तो अडोप्टेड सन है और उम्मेद सिंह उनका रियल सन है, तो अल्टीमेटली उम्मेद सिंह को जो है फिर राजा बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे, जो कि जयपुर बूंदी डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अमर कंवर कॉल्ड द मराठास टू सपोर्ट उम्मेद सिंह। तो अमर कंवर खुद ही बोलती है यहाँ पे, अमर कंवर जो कि है ना वो खुद ही मराठास को जो है कॉल करती है सपोर्ट करने के लिए, उम्मेद सिंह का सपोर्ट करने के लिए। तो ये इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो ये कॉन्फ्लिक्ट है जो सिचुएशन उस वक्त पे चल रही थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। तो शी मेड मराठा लीडर मल्हार राव होलकर हर ब्रदर, ठीक है, आप खुद का भाई बना लेती है। बहुत अजीब सी मिस्ट्री चल रही है इनके बीच में, ठीक है। तो कंवर जो थी वो अमर कंवर जो है मराठा लीडर को जो है अपना भाई बना लेती है माधव राव होलकर को। देयर फॉर उमेद सिंह जो है अब रूलर बन जाता है विद द हेल्प ऑफ मराठास। इट वॉज द फर्स्ट इंटरफेरेंस ऑफ मराठास इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान। तो पहली बार कभी अगर देख सकते हैं कि किस तरीके से मराठास का इंटरफेरेंस राजस्थान में होता है, तो यहीं पे होता है, ठीक है। तो ये जयपुर बूंदी कॉन्फ्लिक्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो रिलेशन ऑफ सवाई जय सिंह विद मराठास, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिलेशन है सवाई जय सिंह का मराठास के साथ उसको देखेंगे। तो देखिए कई युद्ध होते हैं इनके बीच में, सवाई जय सिंह और मराठास के बीच में। पहला युद्ध होता है वार ऑफ पिलसुद, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगती युद्ध इस तरीके से पूछेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटल नहीं रही है ये। 1715 में हुई, 1733 में वार ऑफ मंदसौर और 1735 AD में वार ऑफ रामपुरा हुई, ठीक है। टू सॉल्व द मराठा प्रॉब्लम ही ऑर्गेनाइज हुरड़ा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है। पहले भी दोस्तों इस तरीके से अगर आपने RPSC के पेपर का देखिए एनालिसिस नहीं किया, ये RAS मेंस के जो पिछले 2013, 2016, 2018 के पेपर का एनालिसिस, तो वो कर लेना चाहिए आपको, तभी समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे पेपर में। तो हुरड़ा कॉन्फ्रेंस जो है 1734 AD में हुई थी, और ही डिड धौलपुर एग्रीमेंट विद द पेशवा बालाजी
राव इन 1741 AD। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है जय सिंह किस तरीके से जो है उस टाइम पे जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, होरड़ा कॉन्फ्रेंस जो कि मराठा के अगेंस्ट करता है वो 1734 AD में। तब वो यही है, होरड़ा कॉन्फ्रेंस में जो है राजस्थान के जो राजा थे उनको इकट्ठा करता है और उनके साथ में संधि करके कि भाई ये मराठा के अगेंस्ट जो है फाइट करने के लिए एक मतलब यूनिटी बनाता है। ठीक है, यही होता है 1734 AD में होरड़ा कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, फिर इसके बाद में एक धौलपुर एग्रीमेंट होता है जो कि वो पेशवा के साथ में करता है, पेशवा बालाजी बालाजी बाजीराव 1741 AD में ये एग्रीमेंट करता है। अब यहाँ पे होता ये है कि ही बिकेम गवर्नर ऑफ मालवा थ्राइस, 3 बारी जो है ये मालवा के गवर्नर बनते हैं। ही बिकेम गवर्नर ऑफ मालवा थ्राइस। ठीक है, ही हेल्प्ड जोरावर सिंह हु वॉज रूलर ऑफ बीकानेर, तो ये मदद करते हैं यहाँ पे जोरावर सिंह की, और जो कि बीकानेर का रूलर होता है इन द बैटल ऑफ गंगवाना। तो दोस्तों ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब साथ साथ चल रही थी। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन पूछे स्पेसिफिकली ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, धौलपुर एग्रीमेंट हुआ या होरड़ा कॉन्फ्रेंस हुई, इन सब का पर्पज़ यही होता था कि ये इस तरीके से संधि कर लें कि राजा एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, पहले तो मराठास के अगेंस्ट होने में इन्होंने जो है दोस्तों ये जो होरड़ा कॉन्फ्रेंस थी वो की थी, फिर धौलपुर एग्रीमेंट जो है वही पेशवा के साथ में कर लिया था इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो राजा है बीकानेर के जोरावर सिंह है, ठीक है, बीकानेर के राजा, उनके साथ में बैटल ऑफ गंगवाना जो थे उसमें ये मदद करते हैं। द जॉइंट आर्मी ऑफ बीकानेर और जयपुर डिफीटेड अभय सिंह हु वॉज रूलर ऑफ जोधपुर, तो ये एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ही सपोर्टेड बदन सिंह इन द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ भरतपुर, ही मेड हिम रूलर ऑफ भरतपुर एंड गिवन हिम द टाइटल ऑफ ब्रिजराज एंड ऑल्सो जागीर ऑफ डीग की जो है जागीर भी देता है। डीग जो है भरतपुर में आता है, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है इस तरह से, डीग भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में आता है ये रीजन। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों पॉइंट देखते हैं, यही सवाई जय सिंह के टाइम पे और क्या क्या काम हुए थे। तो ही ऑर्गेनाइज द अश्वमेध यज्ञ, ये काफ़ी फेमस है, अश्वमेध यज्ञ जो है सेक्रीफाइसल ऑफरिंग थी जो इसके टाइम पे की गई थी। हुज प्रिस्ट वॉज पुंडरिक रत्नाकर, पुंडरिक रत्नाकर उसका प्रिस्ट था, मतलब पंडित था। द हॉर्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वॉज कैप्चर्ड बाई दीप सिंह कुंभानी। ठीक है, तो हॉर्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वॉज कैप्चर्ड बाय द दीप सिंह कुंभानी एंड ही फाइनली डाइड अलॉन्ग विद हिज 25 मैन अगेंस्ट जयपुर आर्मी। तो ये फाइनली जो है इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, द हॉर्स ऑफ अश्वमेध यज्ञ वॉज कैप्चर्ड बाई दीप सिंह। एक्चुअली क्या होता है अश्वमेध यज्ञ में, यही होता है दोस्तों, वो घोड़ा होता है, घोड़े को छोड़ देते हैं, फिर घोड़ा जहाँ जहाँ तक दौड़ता हुआ जाता है वो टेरिटरी जो है राजा की हो जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन जहाँ पे जाकर के घोड़े को रोक देता है कोई तो उसको मार दिया जाता है। तो दीप सिंह कुंभानी नाम से कोई शख्स होता है, उसको जो है फाइनली डाइड हो जाता है वो विद हिज 25 मैन अगेंस्ट जयपुर आर्मी। ही रोट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट बुक भी इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था जय सिंह करीका, जय सिंह करीका नाम से टेक्स्ट बुक भी लिखी थी इन्होंने। और ही प्रिपेयर्ड द टेबल ऑफ ल्यूनर ल्यूनर एस्ट्रियन, इनके द्वारा साइंस में भी बड़ा योगदान था दोस्तों। ठीक है, ल्यूनर एस्ट्रियन नक्षत्र इन प्योर फॉर्म इन 1725 AD एंड नेम्ड इट एज जिज मोहम्मद शाही। ठीक है, का नाम रख दिया था जिज मोहम्मद शाही। हिज कोर्टियर जगन्नाथ ट्रांसलेटेड द जियोमेट्री
टेक्स्ट बुक ऑफ यूक्लिड इनटू संस्कृत, ठीक है। तो ये सब इनके टाइम पे कोई सांस्कृतिक अगर योगदान की बात की जाए तो ये इस तरीके से टेक्स्ट वेक्स्ट लिखे गए थे इनके काल में। हिज अनदर बुक वॉज सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौष्टभ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कौष्टभ, ठीक है। अब यहाँ पे है केवल राम जो है ट्रांसलेटेड अ फ्रेंच टेक्स्ट बुक लोगरिथम बाय द नेम ऑफ विभय सारिनी, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ हो जाता है दोस्तों, कई चीज़ें हैं कम्युनिकेशन करने में, मेरे को भी दिक्कत आ रही है, आपको पता चल रहा होगा कि ये इतने सारे जो है नाम हैं, चूँकि ये सब याद रखने पड़ते हैं अगर लेकिन मैं यही कहूँगा ज़्यादा आप जो है इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस करें, क्योंकि ये जनरली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ठीक है। अब पुंडरिक रत्नाकर जो है रोड द टेक्स्ट बुक, जय सिंह कल्पद्रुम, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ देखो, ऑन 18th November 1727 ही एस्टेब्लिश्ड जयपुर, ठीक है। सबसे मेन चीज़ जो जो इनका योगदान था वो जयपुर का, जयपुर के एस्टेब्लिशमेंट में था, ठीक है। तो इसलिए सवाई जय सिंह को ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। इन्होंने जयपुर की स्थापना की और इट्स आर्किटेक्ट वॉज बंगाली ब्राह्मण थे एक, जिसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा जयपुर, जो कि जयपुर के आर्किटेक्ट थे, और जय सिंह जो है कॉल्ड अ पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर। तो जय सिंह ने एक पोर्तुगीज पुर्तगाली उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजर को भी बुलाया था, जिसका नाम था जेवियर दे सिलिया, ठीक है, टू एस्टेब्लिश जयपुर ऑन द बेसिस ऑफ वास्तुशास्त्र। तो बड़ा इनका विश्वास था वास्तुशास्त्र में दोस्तों, तो इस तरीके से इन्होंने इनको बुलाया था, ठीक है, जो पुर्तगीज एस्ट्रोलॉजर थे। और अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इन 1729 AD ही मेड जयपुर हिज कैपिटल, ही कंस्ट्रक्टेड नाहरगढ़ फोर्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड सुधार चनगढ़, ठीक है, सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। ही कंस्ट्रक्टेड नाहरगढ़ फोर्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड सुदर्शन, हिंदी में लिख देता हूँ सुदर्शनगढ़, ठीक है, गढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। अब ही कंस्ट्रक्टेड टेम्पल ऑफ गोविंद देव जी, गोविंद देव जी का जो टेम्पल है दोस्तों, जिनको ये अपने मतलब जो जयपुर के आमेर के राजा हैं अपने आपको जो जिनका दीवान समझते हैं, तो उन्हीं के टेम्पल इसने कंस्ट्रक्ट करवाया है। इट इज़ द मेजर बेंच है ऑफ गोरिया सेक्ट इन राजस्थान, ठीक है। मेजर बेंच है ये, मतलब मेजर बेंच मतलब एक शाखा मान सकते हो, जो गोरिया सेक्ट है उनकी शाखा जो है गोविंद देव जी से ये यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो ही कंस्ट्रक्टेड, या पीठ भी बोलते हैं हिंदी में, पीठ होती है ना किसी की, ठीक है, वो ये है, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड सिटी पैलेस चंद्र महल, ही पुट जयबान कैनन इन द जयगढ़ फोर्ट, ठीक है। तो इसका भी निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा, ठीक है। एक मिनट देखता हूँ दोस्तों, ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबी होगी है, ये आपको समझ आ रहा होगा, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, चूँकि ये जो है ना आमेर के शासक थे, काफ़ी सारे शासक थे, और इसमें इम्पोर्टेंट शासक भी तीन चार तो हैं ही सही। और ही कंस्ट्रक्टेड सिटी पैलेस चंद्र महल, ठीक है, चंद्र महल की स्थापना करवाई इन्होंने। और चंद्र महल के अलावा दोस्तों इन्होंने जो है ही पुट जयभान कैनन इन द जयगढ़ फोर्ट, ठीक है। तो जयभान कैनन जो है वो भी यहाँ पे इनके फोर्ट जयगढ़ फोर्ट में मिलता है, ठीक है। इतना काम की नहीं है ये चीज़ें, मेन चीज़ ये कि इनके 5 सोलर ऑब्जर्वेटरीज कहाँ थे, ये 2 marks में आपसे पूछा जा सकता है, आप रेडी रहना इसके लिए। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन, ठीक है, ये सारे आपको पता ही होंगे, ठीक है। तो जंतर मंतर के नाम से हम जानते हैं दोस्तों इनको, ठीक है। तो ये वही जगह हैं, ये 5 डिफरेंट पैलेस हैं, जो कि जयपुर में था, दिल्ली में, मथुरा, बनारस और उज्जैन। तो ये जो जयपुर वाला है वो लार्जेस्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी और द फर्स्ट वॉज केप्ट हियर, ठीक है। तो पहली जो है वो दिल्ली में बनाई गई थी, लेकिन सबसे बड़ी जयपुर में बनाई गई थी, ठीक है।
ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, जहाँ से पेपर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आर एस मेन्स एग्जाम में। ही केप्ट सम्राट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इन्होंने सम्राट नाम से एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया था, जिस जो कि जंतर मंतर जयपुर में मिलता है, विच इज़ द लार्जेस्ट सोलर क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे जो लिखी हुई है कि ये सबसे लार्जेस्ट जो है सोलर क्लॉक है वर्ल्ड की। ऑल्सो अनदर देयर वॉज राम इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मून क्लॉक भी इन्होंने बनवाई, और जय प्रकाश इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों अगर ये चाहें आरपीएससी तो आपसे 5 मार्क्स में इनका साइंस में जो योगदान है वो पूछ सकती है, ठीक है। साइंस में क्या योगदान रहा है सवाई जय सिंह का, ये पूछा जा सकता है, तो आपको रेडी रहना है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। ऑल्सो अनदर देयर वॉज अ राम इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये मून क्लॉक। अब जय प्रकाश इंस्ट्रूमेंट की भी बात हो रही है यहाँ पे, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर। तो देखिए यार साइंस की दिशा में काफ़ी प्रगति की थी इन्होंने। और इसके बाद नाभि वलय इंस्ट्रूमेंट जो होता है टू नो ग्रेविटी, एक बहुत ज़्यादा इनका साइंस में योगदान था। ही कंस्ट्रक्टेड जलमहल, और मुगल एम्परर जो थे, मुगल एम्परर मोहम्मद शाह जो थे, गिवन हिम द टाइटल ऑफ राजा राजेश्वर और श्री राजा धीराज। तो बड़ा इम्पोर्टेंट नामकरण इनको दिया गया था, ठीक है, इसके द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा अमई शाह वॉज स्पिरिचुअल टीचर ऑफ सवाई जय सिंह, ठीक है। अमानी शाह जो होता है वो स्पिरिचुअल टीचर थे इनके, जय सिंह के, ठीक है। तो इस तरीके से राजस्थान में ये राजा थे दोस्तों जिनका बड़ा योगदान है जो अब तक हम देख रहे हैं। इसके बाद में देखिए सवाई ईश्वरी सिंह आते हैं, आज हम ये आमेर के शासक और जितने भी बाकी शासक हैं दोस्तों इस वीडियो में ही कवर करेंगे। बाकियों के आमेर के शासक ये मान सकते हो दोस्तों आर एस मेन्स एग्ज़ाम की दृष्टि से सफिशियंट है दोस्तों, यहाँ तक के इम्पोर्टेंट शासक में ये भी थे, इस वजह से मैं आमेर के शासकों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों भरतपुर कोटा बूंदी इनके शासक इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जिनसे पेपर में क्वेश्चन आए सही। अब सवाई ईश्वरी सिंह की बात हो रही है, ठीक है, तो ये 1743 से लेके 1750 AD तक इनका अगर देखोगे तो शासनकाल था। और ही वॉज बॉर्न फ्रॉम खींची क्वीन ऑफ जय सिंह, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, खींची क्वीन से जो इनका जन्म हुआ था जय सिंह से, एंड वॉज एल्डेस्ट सन ऑफ जय सिंह एंड बिकेम द रूलर ऑफ जयपुर आफ्टर जय सिंह। अब देखो ऑन द अदर हैंड फ्रॉम सिसोदिया क्वीन चंद्र कंवर से ऑफ जय सिंह अर सन नेम्ड माधो सिंह वॉज बॉर्न, एंड अकॉर्डिंग टू द देवारी एग्रीमेंट 1707 AD के हिसाब से ही वुड बिकेम द रूलर ऑफ जयपुर। अब देखो ये सब चलता रहता था, तो देवारी एग्रीमेंट में ये पॉइंट भी आप ऐड कर लेना कि देवारी एग्रीमेंट ही था जिसके तहत जो है, मतलब अल्टीमेटली बात यही आ रही है कि जो मेवाड़ मारवाड़ और जो ये आमेर के शासकों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था वो यही था कि ये जो रानियों से शादियां करा दी जाती थी, फिर उनसे जो पुत्र होता था वो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा, इस तरीके से समझौते होते थे। तो माधो सिंह को जो है राजा बनना चाहिए था, जबकि बन कौन गया, ईश्वरी सिंह गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट ही नोट पॉइंट है कि मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय अलॉटेड रामपुरा परगना टू माधो सिंह। तो माधो सिंह जो दूसरा ये पुत्र था, मतलब पैरेलल मानो ईश्वरी सिंह के, तो माधो सिंह को ये परगना दे देता है रामपुरा का, ठीक है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। आफ्टर द डेथ ऑफ जय सिंह देयर वॉज सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईश्वरी सिंह एंड माधो सिंह, तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में सक्सेशन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो यही है उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो इस युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है अगर पूछना चाहेगा आरपीएससी या आरएस मेंस एग्जाम में। तो बैटल ऑफ राजमहल जो होती वो होती है इनके बीच में, जो कि टोंक के नियर बनास रिवर पे होती है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ सक्सेशन होती है जिसमें ईश्वरी सिंह युद्ध में जीतता है दोस्तों, जो ईश्वरी सिंह है वो युद्ध में जीत जाते हैं माधो सिंह के अगेंस्ट में, जबकि माधो सिंह का साथ देने के लिए जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ आ जाते हैं और उमेद सिंह बूंदी के आ जाते हैं, सूरजमल साल जो है कोटा के आ जाते हैं, सूरजमल
दुर्जन साल और ये मराठास भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सपोर्टर होते हैं। फिर उसके बाद में सूरजमल रूलर ऑफ भरतपुर जो है वो इसके सपोर्टर होते हैं, सिर्फ अकेले यही होते हैं भरतपुर के राजा। सूरजमल जो है ईश्वरी सिंह की मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ईश्वरी सिंह वॉन द बैटल एंड कंस्ट्रक्टेड ईसर लाट टू हिज टेन्योर। इनके जो भी टेन्योर था तब ये ईसरलाट नाम से जो है प्रतिमा कुछ बनवाते हैं ये, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, बट आप ध्यान रखिए। अब देखो इसके बाद सेकंड बैटल होती है जिसमें ये जो ईश्वरी सिंह थे ये हार जाते हैं बैटल में। और उसके बाद में ये जो है बैटल ऑफ बगरू होती है, इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ बगरू, और सेकंड बैटल ऑफ सक्सेशन थी ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ईश्वरी सिंह जो है लॉस्ट द बैटल एंड वॉज कंपेल्ड टू गिव वार कंपनसेशन टू मराठास एंड 5 परगनास टू माधो सिंह, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा कंपनसेशन इनको पे करना पड़ रहा था ईश्वरी सिंह को, क्योंकि बैटल तो हार ही गए, साथ में बहुत कुछ पे करना पड़ रहा था। तो ये टेंशन में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। एंड बिकेम बिकॉज ही वॉज कंटिन्यूसली इरीटेटेड बाई मराठा फॉर वार कंपनसेशन, ठीक है। बहुत इरीटेशन हो जाती है इनके, ठीक है, चूँकि वार कंपनसेशन देना पड़ता है इनको मराठास को, और मराठास जो है बहुत तंग कर देते हैं इनको, ठीक है। तो ये आत्महत्या कर लेते हैं फाइनली। बैटल ऑफ मानपुरा होती है इसके बाद में, ये एक और हुई थी जिसमें ईश्वरी सिंह डिफीटेड अहमद शाह अब्दली। तो इतना ही कुछ था दोस्तों जो ईश्वरी सिंह के बारे में था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक नहीं है ये, बैटल ध्यान रख सकते हो जो इनके बीच में जो बैटल हुई थी राजमहल वाली, ठीक है। ये जो मैंने पिछली इसमें राजमहल बैटल ऑफ राजमहल बोली थी, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधो सिंह बैटल हुई थी, देवारी एग्रीमेंट पता होना चाहिए आपको आरएस मेंस के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट राजा है माधो सिंह, ठीक है। 1750 से लेके 1768, ठीक है, एडी तक ही ऑर्डर्ड फॉर मासेकर ऑफ मराठास इन जयपुर। तो जयपुर में जो है ये ऑर्डर देते हैं मासेकर का, मराठास के ऑर्डर का, मराठास के, ठीक है, जयपुर में 1751 एडी में। एंड अबाउट 5000 मराठास वर किल्ड एंड द बैटल ऑफ काकोर टॉप वॉज डन बिटवीन माधो सिंह डिफिटेड द मराठास इन द बैटल, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो बैटल ऑफ काकोर हो रही है, टॉक टॉक में जाकर के काकोर नाम से प्लेस है, वहाँ पे माधो सिंह डिफीट कर देते हैं मराठास को इन इन दिस बैटल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है द बैटल ऑफ भटवारा। रणथंबोर में होती है भटवारा की बैटल एंड इट वॉज फोर्ट बिटवीन माधो सिंह एंड दुर्जन साल के बीच में होती है, ठीक है। माधो सिंह और दुर्जन साल के बीच में ये बहुत नॉर्मल सी बैटल है जिसके बारे में आरपीएससी मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेगी आरएस मीन्स एग्जाम में। कोई प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है इनको, ठीक है। अब बैटल ऑफ कामा नाम से होती है ये भरतपुर में, ठीक है। इट वॉज अ फोर्ट बिटवीन माधो सिंह एंड जवाहर सिंह भरतपुर एंड बोथ ऑफ देम क्लेम्ड फॉर द विक्ट्री इन द बैटल, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। माधो सिंह एस्टेब्लिश्ड सवाई माधोपुर का निर्माण, माधो सिंह जो थे ना ये माधो सिंह ने ही सवाई माधोपुर का निर्माण किया था, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है 1763 एडी में। और ही कंस्ट्रक्टेड द बैटल ऑफ मोती डोंगरी, मोती डोंगरी का पैलेस को कंस्ट्रक्ट किया था। ही कंस्ट्रक्टेड द टेम्पल ऑफ शीतला माता एंड चाकसू। तो ये सब जो काम करवाए गए थे माधो सिंह के द्वारा ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट रूलर आ जाते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह 1778 से लेकर 1803 एडी के बीच में रहे, लेकिन दोस्तों इनका मेन जो था, इनके शासनकाल को गोल्डन पीरियड बोला जाता है पेंटिंग्स के मामले में। पेंटिंग्स का जो था, आमेर की पेंटिंग जो चित्रकारी थी वो काफ़ी गोल्डन पीरियड था प्रताप सिंह के टाइम पे। तो इनके टाइम पे बैटल ऑफ टुंगा होती है, ठीक है। तो बैटल ऑफ टुंगा जो है 1787 एडी में होती है एंड द जॉइंट आर्मी ऑफ सवाई प्रताप सिंह ऑफ जयपुर एंड विजय सिंह ऑफ जोधपुर के बीच में होती है एंड डिफिटेड महादजी सिंधिया ऑफ मराठा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बैटल होती है बैटल ऑफ टुंगा, जिसमें
जो जॉइंट आर्मी होती है जयपुर की और जोधपुर की, वो मिलकर के ये मराठास को हरा देते हैं। अब ये मराठास ने इतना तंग कर रखा होता है दोस्तों, कंपनसेशन पे करो, ये करो, वो करो, तो इसलिए मराठास को हरा दिया जाता है। फिर बैटल ऑफ पाटन होती है 1790 AD की, जो है बैटल ऑफ पाटन होती है यहाँ पे। फिर उसमें यही होता है कि सवाई प्रताप सिंह जो है वो डिफीट हो जाते हैं मराठास के द्वारा, ठीक है। वो डिफीटेड बाय मराठास इन दिस बैटल, एंड द बैटल फ्रेंच पर्सन डी ब्रोई करके थे, डी बॉय वॉज मराठा थे, मराठा के कमांडर होते हैं। अब बैटल ऑफ मालपुरा होती है टोंक में, द जॉइंट आर्मी ऑफ सवाई प्रताप सिंह ऑफ जयपुर एंड भीम सिंह ऑफ जोधपुर जो है वॉज डिफिटेड बाई मराठास। तो ये हार जाते हैं मराठास के अगेंस्ट बैटल लड़ते हुए, ठीक है। तो हार हो रही है यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बैटल्स नहीं है ये जिनको इतिहास याद करता है, ठीक है। अब या आरपीएससी भी आपसे कोई स्पेशली क्वेश्चन पूछना ही चाहे, लेकिन प्रताप सिंह है इनका शासनकाल पेंटिंग्स के मामले में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो पेंटिंग से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अभी देखो, प्रताप सिंह वॉज गुड राइटर, ही रोट पोइट्स बाय द सूडो नेम ब्रजनिधि के नाम से जो है ये पोइट लिखते थे, ठीक है। प्रताप सिंह जो है ऑर्गेनाइज्ड अ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुज चेयर पर्सन वॉज देवा ऋषि ब्रिजपाल भट्ट थे, एंड अ टेक्स्ट बुक नेम्ड राधा गोविंद संगीत सार वॉज रिटन इन इट। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जितने भी अंडरलाइन चीज़ें हैं दोस्तों इस पूरी वीडियो में, और जो पीडीएफ अगर आप लेते हो दोस्तों आरएस मेंस मटेरियल में, तो ये सब कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। हिज म्यूजिक टीचर नेम वॉज चांद खां, ठीक है। चांद खां इनके म्यूजिक के टीचर थे, और ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बुध प्रकाश बाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के द्वारा इनको बुध प्रकाश नाम दिया गया था। फिर चांद खान जो है रोट अ टेक्स्ट बुक स्वर सागर नाम से टेक्स्ट बुक लिखी थी इन्होंने। सो देयर वॉज 22 इंटेलेक्ट्स थे इन द कोर्ट ऑफ प्रताप सिंह। देखो कितने सारे दरबारी हुआ करते थे। सो विच वर कॉल्ड गंधर्व बेसी और प्रताप बेसी, ठीक है। तो उनको जो है गंधर्व बेसी और प्रताप बाईसी बोलते थे, ठीक है, इन दरबारियों को। और प्रताप सिंह एस्टेब्लिश, जैसे अकबर नवरत्न नहीं बोलता था, वैसे ये प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी बोलते थे, ठीक है। अब इसके अलावा प्रताप सिंह ने एस्टेब्लिश किया था गुनीजन खाना फॉर दीज इंटेलेक्ट्स, ठीक है। और अब इसके बाद में बात आती है यहाँ पे कि भाई प्रताप सिंह ब्रॉट अ प्ले आर्ट नेम्ड तमाशा, तमाशा नाम से एक प्ले आर्ट भी लिखी थी इन्होंने। ये इनका एक स्पेशल योगदान देख सकते हो आप कला और संस्कृति के हिसाब से, तमाशा टू जयपुर फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। तो इन्होंने प्ले किया था, मतलब प्ले आर्ट जो इन्होंने ये लेके आए थे, ब्रॉट अ प्ले आर्ट नेम्ड तमाशा। तमाशा आपको पता ही होगा, ये महाराष्ट्र में चलती है, उस तमाशा को जो है जयपुर में लेकर के आए थे इस प्ले आर्ट को। द मेन आर्टिस्ट ऑफ तमाशा वॉज बंसीधर भट्ट, ठीक है, बंसीधर भट्ट थे। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए, तमाशा जो आर्ट है, वैसा जो आप तैयारी करते हो नेशनल इंडिया लेवल की, तो पता चलेगा आपको कि ये तमाशा जो है महाराष्ट्र की आर्ट है, उस आर्ट को लेकर के जयपुर आए थे ये, ठीक है। ये चीज़ थी, और इन्होंने जो है हवा महल का कंस्ट्रक्शन भी कराया था दोस्तों। तो ये प्रताप सिंह के बारे में ये सब पता होना चाहिए। हवा महल हम घूमने फिरने जाते हैं, वही हवा महल है, उसका निर्माण कराया था। तो ये 5 स्टोरी बिल्डिंग थी एंड रिसेम्बल टू द क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। बिल्कुल ये ऐसी लगती है जैसे श्री कृष्ण भगवान का क्राउन हो, क्राउन ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। एंड द 5 स्टोरीज आर शरद मंदिर, रत्ना मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, फिर प्रकाश मंदिर है, फिर हवा मंदिर है, ठीक है। तो ये पांच जो है आप देख सकते हो यहाँ पे मंदिर है, ठीक है। इस पे पांचों फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करवाया गया था उनका। अब देखो यहाँ पे जो आर्किटेक्ट जो थे हवा महल के, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लाल चंद जो है इसके हवा महल के आर्किटेक्ट थे, ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम में जो है इस तरीके के क्वेश्चन
क्वेश्चन आते हैं। अब जगत सिंह नेक्स्ट रूलर बनते हैं 1803 से 1818 एडी में। बैटल ऑफ गंगोली होती है 1807 एडी में। द नेम ऑफ हिज लविंग वूमेन वॉज राज कपूर। ही डिड सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो आप। अब राम सिंह आ जाते हैं नेक्स्ट जो रूलर बनते हैं वो 1833 से 1880 एडी में। मिस्टर ब्लैक हु वॉज असिस्टेंट ऑफ मिस्टर ब्लैक है जो कि असिस्टेंट है, एजीजी होते थे यहाँ पे राजस्थान में, जब गवर्नर जनरल के एजेंट होते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री जब राजस्थान की पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो असिस्टेंट ऑफ एजीजी वॉज एलिड एंड केम टू जयपुर टू इन्वेस्टिगेट द रूप बदरन केस वॉज किल्ड। ठीक है, रूप बदरन केस था उस वक्त पे हुआ होगा, तो मिस्टर ब्लैक जो है राजस्थान आए थे। अब जॉन उदुलो वॉज, इस टाइम पे जो है अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था राजस्थान में, और फिर अधीनता तो स्वीकार कर ही ली थी इनसे पिछले जो रूलर थे, ठीक है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो चूंकि अब अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों, तो फिर इनका इंटरफेरेंस भी बढ़ने लगा अंग्रेजों का, ठीक है। सो जॉन लुडलो जो था वॉज मेड, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जॉन लुडलो वॉज मेड प्रोटेक्टर ऑफ राम सिंह, राम सिंह का प्रोटेक्टर बन गया एंड ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जयपुर। तो जयपुर का एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लग गया था जॉन लुडलो, ठीक है। अब जॉन लुडलो प्रोहिबिट किया उसने समाधि, क्रिमेशन प्रैक्टिसेस को रोक दिया जयपुर में, जो है जयपुर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती थी आध्यात्मिक तौर पर, तो समाधि लेते थे कई, तो क्रिमेशन प्रैक्टिस को रोक दिया और गर्ल किलिंग को भी रोक दिया 1844 एडी में। अब ये सब राजस्थान में आपको पता ही है ये सब प्रथाएं चलती थी, तो सेक्रीफाइस सती प्रैक्टिस को 1845 एडी में रोक दिया। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती थी उसको भी कंट्रोल किया 1847 एडी में। तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने अपनी खुद की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको अप्लाई करना शुरू कर दिया था। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी राम सिंह हेल्प्ड द ब्रिटिशर्स। राम सिंह ने जो है मदद की थी, ब्रिटिशर्स की मदद की थी, देयर फॉर ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल सितार ए हिंद एंड वॉज गिवन कोटपुतली परगना, ठीक है। तो देयर फॉर ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल सितार ए हिंद एंड वॉज गिवन कोटपुतली परगना, तो कोटपुतली परगना भी दिया गया, ठीक है। ये सब छोटे मोटे रूलर हैं दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंस इनको नहीं मिली है, ठीक है। राम सिंह के टाइम पे कुछ घटनाएं घटी थी दोस्तों, अब मैं जो बताता हूँ ये देख लो। ही पेंटेड जयपुर को पेंट कराया था राम सिंह ने, ठीक है, पिंक कलर में, जो हम देखते हैं ना पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, तो जयपुर पिंक सिटी बना था जब राम सिंह के टाइम पे पिंक कलर करवाया गया था, व्हेन एडवर्ड सेवंथ विजिटेड जयपुर, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है फैक्ट, तो ध्यान रखना आप। अ जर्नलिस्ट नेम्ड स्टैनली रीड वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द वर्ड पिंक सिटी फॉर जयपुर इन द बुक नेम्ड रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब राम सिंह कंस्ट्रक्टेड एल्बर्ट हॉल इन 1876 एडी व्हेन प्रिंस एल्बर्ट विजिटेड जयपुर, ठीक है। तो प्रिंस एल्बर्ट जो थे जब जयपुर की विजिट की, तो राम सिंह ने उस टाइम पर अल्बर्ट हॉल की स्थापना की थी। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एल्बर्ट हॉल वॉज लेड बाई प्रिंस एल्बर्ट, ठीक है। दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट शासक तो थे नहीं राम सिंह, ठीक है। तो ये जो सिर्फ अंडरलाइंड पॉइंट है उन पे ज़्यादा फोकस करें आप, बाकी तो ये ठीक है, नॉर्मल सी बातें हैं जो उनके टाइम पीरियड में हुई थी। मेनली इनका पर्पस जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन जब आप आरएएस मेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो जो अंडरलाइंड पोर्शन है उस पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब इन्होंने अल्बर्ट हॉल की स्थापना की थी राम सिंह ने, और द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अल्बर्ट हॉल वॉज लेड बाई प्रिंस एल्बर्ट एंड द आर्किटेक्ट ऑफ अल्बर्ट हॉल वॉज स्टीवन जेकब था, एंड ऑल्सो इन द सेम टाइम
रामनिवास बाग भी बनाया गया था, ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड मदरसा ए हुनारी इन 1857 AD फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट। इन 1866 AD इट वॉज रीनेम्ड एज राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ही स्टार्टेड ब्लू पोटरी इन जयपुर। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये 2 मार्क्स में अगर पूछना जाएगा तो आपको तब समझ आएगा, क्योंकि ब्लू पॉटरी वैसे ही जयपुर में बहुत प्रचलित है दोस्तों, GI टैग भी मिला हुआ है इसको। ऐसे क्वेश्चन पूछना RPSC पसंद करेगी अगर मेंस एग्जाम में 2 मार्क्स में आना ही होगा तो। ही सेंड टू पर्सन नेम्ड, एक तो था चूड़ामन एंड दूसरा था कालू कुमार टू दिल्ली टू बी ट्रेंड इन ब्लू पॉटरी फ्रॉम अ पर्सन नेम्ड भोला, ठीक है। फ्रॉम अ पर्सन नेम्ड भोला जो है मतलब कालू कुमार जो है, और चूड़ामन जो थे चूड़ामन और कालू कुमार टू दिल्ली टू बी ट्रेंड टू द ब्लू पोट्री फ्रॉम अ पर्सन नेम्ड भोला, ठीक है। तो ये जो है इस आर्ट को सीखने के लिए भेजा गया था इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है 1866 AD में क्या होता है, कांति चंद्र मुखर्जी एस्टेब्लिश्ड अ वुमेन स्कूल। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ वुमेन एजुकेशन इन अर्ली प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया। देयर वुमेन लर्नड अबाउट सीइंग ऑफ क्लोथ्स। ही एस्टेब्लिश्ड महाराजा कॉलेज, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था महाराजा कॉलेज को, एंड ऑल्सो अ संस्कृत कॉलेज। इन 1870 लॉर्ड मायो विजिटेड जयपुर एंड अजमेर, ठीक है। तो लॉर्ड मायो जो थे उन्होंने 1870 AD में वो जयपुर और अजमेर को भी विजिट किया था। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको अब तक देखिए तभी समझ आएगा जब आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर लोगे कि पेपर के लिए क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ लिखे हुए हैं। अब ये माधव सिंह द्वितीय इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मैं खुद स्किप कर रहा हूँ, आपको पढ़ना है आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मान सिंह द्वितीय हैं, ये भी जो है बहुत ज़्यादा राजस्थान में आमेर के शासकों में इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये कुछ लास्ट रूलर थे, अब हिस्ट्री ऑफ अलवर स्टेट आ जाती है दोस्तों। मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपसे जो है RAS मेंस एग्जाम में अलवर के रूलर से कुछ पूछा जाएगा। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इन सबको पढ़ सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। ये जैसे पहले शासक थे इसमें मिर्जा राजा जय सिंह, इसके बाद में ये देखिए ये बख्तावर सिंह जो है ये राजा बने, फिर विनय सिंह बने, ठीक है। अब इनके टाइम पे हो सकता है कोई पोइट्री वर्क हो, कोई लिटरेचर वर्क हो, शायद एक्सेप्शनली आपसे पूछ ले, या पेंटिंग कलाकृति पूछ ले, ठीक है। सिलीर सेड ले गए बहुत नाम है उसका, ठीक है, इस पे पूछ ले, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लगती है कि अलवर के शासकों से कुछ आएगा, जय सिंह हो गए, तेज सिंह हो गए, ठीक है। तो इसी वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ इनको, ताकि आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इनको देख सकते हो। अब हिस्ट्री ऑफ भाटीज ऑफ जैसलमेर, इनको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। भाटी जो है फर्स्ट शासक थे, फिर उसके बाद मंगल राव है, मंगल राव के बाद में देवराज है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड। तो इसके बाद जयसाल है और मूल राज है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए दोस्तों हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, जो भी इस PDF में लिखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो पेपर में पूछेगा RAS मेंस के पेपर में, वो यहाँ से नहीं आने वाले हैं पेपर में क्वेश्चन। दुर्जन साल, ये मूल राज, ठीक है, लूनकरण, ठीक है, इनको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके अगर आप एक रीड मारना चाहते हो तो। बट बहुत कम चांसेस है कि पेपर में कोई क्वेश्चन आ ही जाए। हर राज हो गया, ठीक है, अमर सिंह हो गया, आखे सिंह हो गया, तो ये जो है मूल राज द्वितीय, ये सब जो है जैसलमेर के शासक थे। जवाहर सिंह हो गया, ठीक है, जवाहर सिंह के बाद में यहाँ पे कुछ इनके द्वारा बुक्स लिखी गई थी, अगर बुक्स से आपसे क्वेश्चन पूछना ही होगा तो पूछ सकता है यहाँ पे। आप वीडियो को पोस्ट करके इन बुक्स को लिख लो, ठीक है। गिरधर सिंह हो गया, ठीक है, गिरधर सिंह जो है एक ये भी शासक था, गिरधर सिंह, ठीक है।
अब देखो हिस्ट्री ऑफ करौली आ गया, जैसलमेर के बाद में करौली का इतिहास आ गया। अब करौली भी कोई इतनी इम्पोर्टेंट स्टेट तो थी नहीं कि इन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया हो, तो आप ये थोड़ा सा देख लो अगर देखना चाहो तो, बट बहुत कम चांसेस है कि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे। इवन ऑब्जेक्टिव पेपर में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आता नहीं है इनसे, ठीक है। अब विजय पाल हो गया, विजय पाल के बाद तिमन पाल, कुंवर कुमार पाल, ठीक है, एक अर्जुन पाल और धर्मपाल, ठीक है, इसके बाद गोपाल पाल, ठीक है, और इसके बाद ये अर्बन किस पाल, ठीक है, पाल छा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, करौली में एक मदन पाल हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हिस्ट्री ऑफ जाट रूलर ऑफ भरतपुर आ जाता है। तो भरतपुर के भी देखो रूलर्स का इतना कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं रहा है और इम्पोर्टेंट, आप इनको वीडियो पोस्ट करके जो है चूड़ामन हो गया या बदन सिंह हो गया इनके बारे में पढ़ लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बदन सिंह के बारे में ये नेक्स्ट ये है। इसके बाद में सूरजमल हो गया, सूरजमल जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप पढ़ लेना, हो सकता है इससे 5 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इनको प्लेटो ऑफ जाट बोलते थे, सबसे इम्पोर्टेंट रूलर ही यही थे, ठीक है, 1753 से 1763 AD के बीच में। अगर कोई भरतपुर के शासकों में नाम आता है तो सूरजमल का ज़्यादा आता है, ठीक है। इनके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं, ही कंस्ट्रक्टेड भरतपुर फोर्ट एंड मेड इट इट्स हिज कैपिटल, ठीक है। ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग विद मराठा कमांडर सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। तो इन्होंने साथ नहीं दिया था मराठास का, ठीक है, जो कि पानीपत की तृतीय बैटल लड़ने आए थे ना, अहमद शाह अब्दली के अगेंस्ट ही हुई थी पानीपत की तृतीय बैटल, ठीक है। बट ही प्रोवाइडेड शेल्टर टू द रनिंग मराठा सोल्जर एट भरतपुर, ठीक है। तो शेल्टर जरूर, रहने के लिए निवास स्थान जरूर दे दिया था, लेकिन बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ही हेल्प्ड सवाई ईश्वरी सिंह ऑफ जयपुर इन द बैटल ऑफ राजमहल एंड बगरू, ठीक है। और इसके अलावा 1754 AD ही इन्वेडेड दिल्ली, ही बॉट नूरजहाँ हेमोक फ्रॉम देयर एंड सेटअप इट इन द पैलेस ऑफ डीग, ही कंस्ट्रक्टेड वाटर पैलेस इन डीग, ठीक है, डीग में जो है वाटर पैलेस जो है का कंस्ट्रक्शन कराया था। ही डाइड इन अ वार अगेंस्ट नजीब खान, और सूरजमल वॉज अ इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट था एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ भरतपुर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ इन 1763 AD। द एनुअल इनकम ऑफ भरतपुर स्टेट वॉज रुपी 175 लाख पर ईयर, ठीक है। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। एक मंगल सिंह पुरोहित वॉज अ कोर्टियर ऑफ सूरजमल, रोट सूरज संबत विलास, ठीक है, ये बुक लिखी थी। इसके अलावा द नेम ऑफ सूरजमल वाइफ वॉज किशोरी देवी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना कि आपसे RS मेन्स एग्जाम में पूछा ही जाए, बट मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, आइडिया दे दिया। इसके बाद जवाहर सिंह बनते हैं भरतपुर के रूलर, ये आप पढ़ सकते हो जवाहर सिंह के बारे में। रणजीत सिंह है, ये भी जो है इनका भी बहुत ज़्यादा कोई खास तो इतना योगदान है नहीं। देखिए राजस्थान के इतिहास में भरतपुर करौली शासक, ठीक है। आप जसवंत सिंह, मैंने जब अपने मेंस की तैयारी की थी मैं नहीं पढ़ के गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं है, इसलिए मैं जो है इनको कवर भी नहीं करता। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा, राजस्थान के जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें क्या इतिहास रहा था, तो अब उसको कवर अप किया जाएगा। अभी तक आपने वीडियो को देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF से ढूंढ रहे हैं RS मेंस इंग्लिश मीडियम के लिए तो वो आपको यहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप जो है ये जो बुक्स हैं दोस्तों उसमें ये पहली बुक है RS मेंस एग्जाम 2021 नोट्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ये इंस्टा मोड जो वेबसाइट का लिंक दे रखा है और इस PDF का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, इसके चार्जेस 100 रुपीज़ है और ये 1000 रुपीज़ में दोस्तों कंप्लीट नोट्स हैं RS मेंस एग्जाम के, जो मेरे खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों। तो आप जाकर के बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और ये सारी एक्स्ट्रा बुक्स हैं दोस्तों जिनकी ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। चाहे राघव प्रकाश की हिंदी की बुक हो, चाहे इंग्लिश की बी के रस्तोगी की हो, चाहे और भी दोस्तों इंडिया लेवल की बुक्स हों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को दोस्तों अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।